हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता तो ये जो पावर रहती है इसका स्क्वायर आता, मतलब 11 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 121। और माइनस का साइन लगता है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहता है माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन रहता है प्लस का साइन, और आता है 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 117, ठीक है, अंडर रूट के साथ। ये तो हुआ इसका डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे होता है। अब अपन इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सब में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस 4ab, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको अगर थोड़ा सा सही करके और लिखने की कोशिश करूँ मैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस पूरे को इस साइड ले आया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब यहाँ से अपनी दो आइडेंटिटी निकल के आ रही है। देखिए ध्यान से, एक चीज़ तो ये निकल के आ गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो था उसको मैंने हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया, और ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टर्म को इस साइड ले जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इस टर्म को अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो माइनस के साथ, और इधर बचेगा क्या, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन आके कट जाएगा, सब प्लस के बन जाएंगे, ये क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। और इस स्क्वायर को हटा के अगर अंडर रूट लगाऊं तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab का अंडर रूट, ठीक है। ये वही दो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। अब इनका यूज़ यहाँ पर कैसे हुआ वो देख लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्या दिया अपन को, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू दिया, तो अपन को निकालना क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू। ए प्लस बी दिया अपन को, निकालना है ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो होता है। अब अगर अपन ए और बी की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू रखें यहाँ पे 4ab में, 4 इंटू ए क्या है, एक्स की पावर 99, और बी क्या है, 1/x^99, तो ये एक्स की पावर 99 सेट कट ही जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 अकेला बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर। और ए माइनस बी जो अपन से पूछा था वो, ठीक है, तो ये वही आ गया ना, 121 - 4 117, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। देखिए अब क्या हुआ, अब अपन को सब पता चल गया, अपन इसको फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये के स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 आएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस है के स्क्वायर प्लस, तो प्लस 4 आएगा, ठीक है। इस पावर से कोई मतलब नहीं है, ये पावर कुछ भी हो बस सेम होने चाहिए पावर, ठीक है।
जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7 स्क्वायर 49 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये हो जाएगा क्या √45। ठीक है, अब एक प्लस वाला ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे 4, ये क्या हो जाएगा 85 √85। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।